राज्यमंडल आंदोलन 1927 के अंदर 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। एक्चुअली प्रजामंडल की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनके प्रति सही रवैये से सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना मुख्य उद्देश्य था। प्रजामंडलों का उद्देश्य ये एग्जाम में आया हुआ भी है। प्रथम प्रजामंडल जो था राजस्थान का वो था जयपुर। कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन मृतप्राय रहा, काम कुछ भी नहीं किया। चिरंजीलाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनर्गठित हुआ 1936 में। 1938 में जमनालाल आजाद अध्यक्ष बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला एकमात्र प्रजामंडल, और दूसरा प्रजामंडल था अलवर जिसने भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, और स्थापना कहाँ की गई, बॉम्बे के अंदर। अध्यक्ष थे दीवान ये रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, और रामनारायण चौधरी को राजपूताना और मध्य प्रांत के सचिव बनाया गया। 1927 की बात है, अखिल भारतीय देशी परिषद, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में। प्रथम अधिवेशन 1931 अजमेर में, अध्यक्ष रामनारायण चौधरी। कांग्रेस ने 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में प्रजामंडल को समर्थन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष थे उस टाइम सुभाष चंद्र बोस। प्रजामंडल सबसे प्रथम अपन ने बता दिया जयपुर, लेकिन मृतप्राय रहा जयपुर बूंदी। 1934 मारवाड़ हाड़ोती, 1936 बीकानेर धौलपुर, 1938 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली ये हुए। 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही, 1942 कुशलगढ़, 1946 झालावाड़, 1945 जैसलमेर प्रतापगढ़, 1944 डूंगरपुर, 1943 बांसवाड़ा, ये बने प्रजामंडल। और कौन सी सन में बने, जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। कर्पूर चंद्र पाटनी 1931, 1936 में जमनालाल बजाज में पुनर्गठित, अध्यक्ष इनके चिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया। पुनर्गठित जब हुआ 1936 में, तो ये थे चिरंजीलाल मिश्र। जेंटलमैन एग्रीमेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। 17 सितंबर 1942 हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर के निर्माता भी इनको कहा जाता है, मिर्जा इस्माइल को, जयपुर के प्रधानमंत्री थे। प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। इस समझौते के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस समझौते के कारण जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच, आधुनिक जयपुर का निर्माता भी बोला जाता है, आजाद मोर्चा। जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने एक आजाद मोर्चा बनाया, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा गठन किया, और इन्होंने बोला कि हम आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट के समझौते के साथ नहीं आजाद मोर्चा बनाएंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजाद मोर्चा के अन्य सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये थे बाबा हरिश्चंद्र, और अन्य सदस्य दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाब चंद्र कासलीवाल। और 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय हो गया। नेहरू जी ने बोला कि फिर से विलय हो जाओ। बूंदी प्रजामंडल संस्थापक थे कांतिलाल नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। इन्होंने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। ऋषिदत्त मेहता का जो समाचार पत्र था उनका नाम था राजस्थान, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1923 में ब्यावर में प्रकाशित और हाड़ोती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। बाद में मारवाड़ प्रजामंडल जो 1934 में बना, ये मारवाड़ प्रजामंडल। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी, चांदरमल सुराणा। 1923 में पुनर्गठन हुआ। 1920 के अंदर मारवाड़ी सेवा संघ, जयनारायण व्यास और तोल आंदोलन चलाया गया, क्योंकि 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का शेयर कर दिया गया था, तोल आंदोलन चलाया गया, 100 तोले के स्थान पर 80 तोला कर दिया था। जयनारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ के स्थापना करने वाले थे। 1929 के अंदर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जयनारायण व्यास ने स्थापना की। प्रथम अधिवेशन पुष्कर में हुआ। अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर ने भाग लिया। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई। जयनारायण व्यास ने स्थापना की। 1932 में छगनलाल चौपासनीवाला, 1932 जोधपुर में भारत का झंडा फहराया गया। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल भवरलाल सराफ, और 1936 के अंदर कृष्णा दिवस बॉम्बे में मनाया, शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया। फिर 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन कराची में हुआ। इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया। जोधपुर महाराजा ने जयनारायण व्यास के जोधपुर आने पर पाबंदी लगा दी, और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड का त्यागपत्र लिखा और व्यास जी की पाबंदी को हटाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंद किया गया था, जोधपुर के बाकी नेताओं को जालौर किले में बंद किया गया। जयनारायण व्यास की पुस्तकें मारवाड़ की अवस्था और पप्पा भाई की पोल, ये जयनारायण व्यास जी की पुस्तकें थी। समाचार पत्र अखंड भारत बॉम्बे हिंदी, और पीप दिल्ली अंग्रेजी से, और एक था आंगीबाण जो ब्यावर राजस्थान में था और 1932 में प्रकाशित हुआ। राजस्थान भाषा का पहला समाचार पत्र ये था आंगीबाण, ब्यावर के अंदर जनरल व्यास का। दाबड़ा कांड क्या था, 19 मार्च 1947 मोतीलाल नमक किसान के घर प्रजामंडल के सदस्यों की सभा हो रही थी। डिडवाणा के सामंत लाठीचार्ज करवा दिया मोतीलाल जी की, सहित कई किसान शहीद हो गए। प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरदास माथुर भी घायल हो गए थे। बाद में है चंडावल किसान आंदोलन 1942 से 1945 पाली में मारवाड़ में। दाबड़ा कांड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। 13 मार्च 1947
आगे है हड़ौती प्रजामंडल 1934 में संस्थापना करने वाले पंडित नेहरू राम शर्मा, कई बार पूछा हुआ है, इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था बीकानेर प्रजामंडल 1936 में, और 1913 में सर्व हितकारिणी सभा बनी चूरू के अंदर कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास इसको चलाने वाले थे, और स्कूल खोले कन्या पाठशाला, कबीर पाठशाला दलितों के लिए, कबीर पाठशाला 1930 में स्वामी गोपाल दास चंदनमल भैड़ चूड़ू के धर्मस्तूप भारत का झंडा फहराया, और 1931 में गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो उसके खिलाफ बीकानेर में एक दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 स्वामी गोपाल दास चंद्रमल भैर सत्येंद्र सराफ और खुबाराम सराफ पर्चा बांटने के कारण इन पर मुकदमा चला। गंगा सिंह के पीछे से इन्होंने पर्चा बांटा और 1936 उनके अगेंस्ट बीकानेर प्रजामंडल वेद्य मगाराम ने स्थापित किया बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में स्थापना की, बाहर स्थापना हुई इनकी 1942 के अंदर बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद रघुवर दास गोयल और 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस 1 जुलाई 1946 को रायसिया नगर में जुलूस पर फायरिंग की गई, बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा है उनकी याद के अंदर जुलूस पर फायरिंग कर दी गई रायसी नगर में, तो बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। ये बात है 1 जुलाई 1946 की। 17 जुलाई को बीकानेर रियासत के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया। बीकानेर रियासत के किसान कौन कौन से थे? महाजन की एक हत्या, बीकानेर हनुमान आर्य और मेघसिंह आर्य ये सभी किसान नेता थे, और उदासर बीकानेर दूधवा अखाड़ा किसान आंदोलन चूरू में, कांगड़ा किसान आंदोलन चूरू में, महाजन किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है, उदासर किसान आंदोलन बीकानेर से, दूध वखारा किसान आंदोलन ये एग्जाम में आया हुआ है, और कांगड़ा किसान आंदोलन ये भी चूरू का है। ये सभी किसान नेता थे हनुमान सिंह आर्य और मेघाराम मेघ सिंह आर्य। बाद में धौलपुर प्रजामंडल 1936 संस्थापक इनके कौन थे? संस्थापक थे कृष्ण दत्त पाली और आर्य समाज के सरदारनंद सरस्वती की प्रेरणा से प्रजामंडल की स्थापना हुई। बाद में है कि जो माणिक्यलाल वर्मा की जो पुस्तक है मेवाड़ की वर्तमान शासन, इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की, वर्मा जी ने को गिरफ्तार किया गया, गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसका उल्लेख भी किया। मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर केंद्र कौन से? नाथद्वारा और बिलवाड़ा। रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही थे। शाहपुरा प्रजामंडल संस्थापक लादूराम व्यास रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा प्रजामंडल में जो माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से स्थापित हुआ, राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई और राजा सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया। अलवर प्रजामंडल 1938 पंडित हरि नारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल है संगठन और वाल्मीकि संघ और एसपी निवारण संघ और आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा ने की, वो पंडित नैनूराम शर्मा है। पंडित नैनूराम शर्मा जो वो थे कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे नैनूराम शर्मा, लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। 14 अक्टूबर 1941 में पंडित नैनूराम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की जो बागडोर थी पंडित अभिन हरि ने संभाली, लेकिन जो पंडित हरि नारायण शर्मा है ये संबंधित है अलवर से, वो कोटा से संबंधित है। बाद में तस्सीम हत्याकांड 12 नवंबर 1946 शहीद हुए पंचम सिंह और छतर सिंह। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 संस्थापक थे, 24 अप्रैल 1938 में स्थापना की, संस्थापक थे बलवीर सिंह मेहता और भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रजामंडल पर रोक लगा दी तो माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से प्रभात प्रजामंडल चलाया। प्रथम अधिवेशन 1941 उदयपुर में, अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा और जेबी कृपला ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इसमें भाग लिया। संयुक्त राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पंडित विजय लक्ष्मी पंडित थी और ये बहन थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी विष्णोई नामक महिलाएं भी जेल गई। भूरेलाल भैया को सराड़ा किले में बंद किया गया। सराड़ा किले में मेवाड़ का काला पानी उसको कहा जाता था, काला पानी की सजा के लिए सराड़ा किले में भेज दिया जाता था। 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में सलेटिया गांव मैदान में हुआ। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया। प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और दूसरा जयपुर ने भाग नहीं लिया जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत, इसलिए आजाद मोर्चा बना। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में बना। संस्थापक जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्य इंद्र, गोपाल लाल यादव और किशनलाल जोशी अध्यक्ष, और राजस्थान का जो जवाहरलाल नेहरू भी जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई। प्रजामंडल का समाचार पत्र वैभव था और करौली जो प्रजामंडल है 1938 में स्थापना, संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर, चिंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया गया। कोटा प्रजामंडल बात कर चुके अपन, नैनूराम शर्मा और अभिन हरि। प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 के अंदर हुआ था। अध्यक्ष नैनूराम शर्मा भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल में कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। और किशनगढ़ प्रजामंडल की संस्थापना कांतिलाल चौथानी, जमनालाल भाट, जमनालाल शाह है। सिरोही प्रजामंडल संस्थापक थे, बॉम्बे में स्थापना की गई और बीकानेर वाले की भी बॉम्बे बाहर स्थापना हुई थी कलकत्ता में। संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के, वर्दी शंकर त्रिवेदी, राजस्थान का गांधी जी जिसको कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। कुशलगढ़ प्रजामंडल संस्थापक मोहनलाल निगम, बांसवाड़ा प्रजामंडल संस्थापक थे भूपेंद्र त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, भूलजी भाई और बॉम्बे में
संग्राम नामक एक पत्रिका भी चलाई। विजय बहन भावसागर, इसके द्वारा महिला मंडल की स्थापना की गई। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। डूंगरपुर प्रजामंडल से स्थापक थे भोगीलाल पांड्या। वागड़ गांधी बोला जाता है इनको, वागड़ा का, क्योंकि वागड़ वागड़ इस क्षेत्र को, वागड़ बांगड़ ऊपर वाले को, वागड़ नीचे वाले को। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और समाचार पत्र इनका था सेवक। यह समाचार पत्र गौरीशंकर का था डूंगरपुर प्रजामंडल से। रास्तापाल हत्याकांड क्या है? 19 जून 1947 अध्यापक नाना भाई व काली भाई शहीद हो गए। इन दोनों की मूर्तियां डूंगरपुर में गेप सागर में अभी भी लगी हुई है। बालिका शिक्षा के लिए काली भाई पुरस्कार दिया जाता है। इस घटना से सांगा भाई नामक अध्यापक थे वो घायल हो गए। पुनः बड़ा घटना, ये कौन थी? शिवराम भील नामक एक अध्यापक थे वो भी घायल हो गए और डूंगरपुर प्रजामंडल में जो सभाएं थी उनका आयोजन किया गया। और एक है बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर का प्रजामंडल में कार्यकर्ता थे। जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की थी 1942 को जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल करके। ये बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो गए जोधपुर में। बाल मुकुंद एक था बालकृष्ण कोल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजमेर जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। जैसलमेर प्रजामंडल स्थापना करने वाले मीठालाल व्यास और जोधपुर के अंदर स्थापना हुई जैसलमेर प्रजामंडल की। प्रतापगढ़ प्रजामंडल संस्थापक अमृतलाल पायक और ये चुनीलाल प्रभाकर छक्करबापा। और झालावाड़ प्रजामंडल संस्थापक थे मंगलाल भावे और राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की झालावाड़ प्रजामंडल ने सबसे पहले। ये अपने पास प्रजामंडल के एकदम शार्प और सटीक नोट्स हैं। उसके बाद में अपन और टॉपिक कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक आपके इस एग्जाम के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फर्स्ट जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी कपूर चंद्र पाटनी। पहला वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था 1938 के अंदर। और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। बूंदी की स्थापना कांतिलाल नित्यानंद और ऋषिदत्त ने की थी। और मारवाड़ जोधपुर की स्थापना भंवरलाल सराफ ने की थी। हाड़ौती और कोटा की स्थापना नयनूराम शर्मा। और बीकानेर की स्थापना पंडित मधाराम द्वारा। कलकत्ता में धौलपुर की स्थापना कृष्णदत्त पाली द्वारा। और जो भरतपुर की स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्यन्द्र, कोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी ने रेवाड़ी में की। वैभव समाचार पत्र भी इन्होंने चलाया भरतपुर प्रजामंडल ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल और मदन सिंह ने की। अलवर की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा और नयनूराम शर्मा, कोटा से हरि नारायण शर्मा अलवर से 1946 में तस्सीमो कांड हुआ था। शाहपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में लादूराम और व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने। मेवाड़ उदयपुर 1938 में बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, माणिकलाल वर्मा अध्यक्ष, मेहता जी और रमेश चंद्र व्यास सत्याग्रही थे। कोटा की स्थापना पंडित नयनूराम शर्मा अभिनय और पहला अधिवेशन मागरोल में अध्यक्ष जी शर्मा जी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट, बोधि शंकर त्रिवेदी बॉम्बे में की थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने की थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और दुलजी भाई भावसागर ने की बॉम्बे में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी जिसको बोला जाता है, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और समाचार पत्र इनका था सेवक। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास, रघुनाथ सिंह जोधपुर ने की थी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक, ठक्कर बप्पा, चुनीलाल प्रभाकर। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मंगलाल भैया। और स्थापना वर्ष ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। 1931 जयपुर बूंदी, 1934 मारवाड़ हाड़ौती, 1936 बीकानेर धौलपुर, 1938 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली प्रजामंडल, 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही, 1942 कुशलगढ़, 1943 बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 जैसलमेर प्रतापगढ़ और 1946 झालावाड़। सबसे पहला जयपुर 1931 से 1946। जेंटलमैन एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के भाग न लेने के संबंधित हुआ था, इसलिए आजाद मोर्चा बना था मिर्जा इस्माइल के बीच में 1942 में हुआ था एग्रीमेंट। नाराज लोगों ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। फिर वापस जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वापस इनका विलय होगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा, मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास, डी के चोट सुर रचनाकार जयनारायण व्यास, भारत छोड़ो आंदोलन के समय व्यास जी को सिवाना के दुर्ग में कैद किया गया। सर्व हितकारिणी सभा चूरू, कन्हैलाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, कबीर पाठशाला, कन्या पाठशाला, डावड़ा हत्याकांड 1947 में लाठीचार्ज मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ा था। कांगड़ा कांड बीकानेर के प्रजामंडल से संबंधित था। और सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। और रास्तापाल कांड डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था। नाना भाई और कालीबाई शहीद हो गए। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई। गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बनाया गया। और वर्ष 1946 में बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान राम सिंह नगर में फायरिंग के दौरान बीरबल नामक युवक की मृत्यु हुई। और इंदिरा गांधी की एक नहर की शाखा का नाम भी उनके नाम पर बीरबल शाखा रखा गया। कौन से प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? बीकानेर में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। और बाद में आजाद मोर्चा का संबंध में से किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मांगीलाल वे, कौन सा युगम सही नहीं है।
तो सिरोही प्रजामंडल भोगलाल पांडे, ये गलत है, बाकी सही है। मेवाड़ प्रजामंडल मांगीलाल शर्मा और माणिकलाल वर्मा, बीकानेर प्रजामंडल पंडित मदाराम और जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास, तो एक वाला ये गलत है।